96 बिलियन लाइट ईयर्स यानी इतने किलोमीटर में फैले हमारे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स होंगे। ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्लैनेट की अनुमानित संख्या और अपनी धरती इनमें से एक है। तो ये कहना बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं होगा कि केवल धरती पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये संख्या बताती है कि हमने ब्रह्मांड को अभी ना के बराबर एक्सप्लोर किया है। कई वैज्ञानिकों और जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत परग्रही जीवों ने ही की थी, यानी एलियंस ने। और आए दिन कई ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो कहीं न कहीं इशारा करती हैं कि एलियंस लाखों साल पहले ही धरती पर दस्तक दे चुके हैं। इस वीडियो में ऐसी ही एक चीज के बारे में आप जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देना। छत्तीसगढ़, इंडिया। यहाँ एक चरमा नाम की जगह है। यहाँ के लोग कई पीढ़ियों से एक किस्सा सुनाते आ रहे हैं कि सालों पहले आसमान से कुछ छोटे कद के लोग एक गोलाकार चीज में बैठकर धरती पर आया करते थे और कुछ गांव वासियों को अपने साथ ले जाते थे, और वो गांव वासी कभी लौटकर वापस नहीं आते थे। यहाँ के लोग इन परग्रहियों को रोहेला कहकर बुलाते हैं। ये किस्सा तब सच साबित होने लगा जब गांव के आसपास जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर बनी कुछ पेंटिंग्स को खोजा गया, और ये पेंटिंग्स एग्जैक्टली इस कहानी से मैच करती है। इन पेंटिंग्स में कुछ अजीब से बड़े सर वाले क्रिएचर्स को दिखाया गया है जो कभी स्पेसशिप से उतर रहे हैं तो कभी हथियार लिए हुए हैं, और कुछ तस्वीरों में तो इन्होंने स्पेस सूट जैसी किसी चीज को पहन रखा है। देखने में तो ये मूवीज में दिखाए जाने वाले एलियंस की तरह है, यानी हो सकता है किसी ने ऐसे ही बना दिया होगा, है ना। तो स्टोरी खत्म? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने इन पेंटिंग्स को स्टडी किया और थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि ये पेंटिंग 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और इतने साल पहले की ये केव पेंटिंग्स केवल इमेजिनेशन बेस्ड तो नहीं हो सकती। ये चीज कहीं न कहीं इशारा करती है कि धरती के बाहर भी लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो परग्रही लोग इस ब्रह्मांड को हम इंसानों से भी ज्यादा अच्छे से जान चुके हैं, यानी वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्रिएचर्स हैं। क्या हमारी धरती को उन्होंने ही बनाया है, या इस पूरे यूनिवर्स को ही उन्होंने बनाया है? क्या हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? ये सब किसने क्रिएट किया है, और जिसने भी इन सब को बनाया है यानी जो सुप्रीम क्रिएटर है वो खुद कहां से अस्तित्व में आया? इन सब टॉपिक्स पर हर इंसान की अपनी राय होती है और सभी लोग अपनी राय को ही सही बताते हैं, मगर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है ये कोई नहीं जानता। अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे थे द मिस्ट्री।